नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल टेक्निकल लर्नर में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप काली लिनक्स को या फिर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम को आप वर्चुअल बॉक्स में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि वर्चुअल बॉक्स में आप दो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। आप मोबाइल में आपने तो देखा ही होगा, आपने मोबाइल फोन में देखा होगा कि आप पैरेलल स्पेस का एक ऐप यूज़ करते हैं, जिससे कि आप बहुत सारे ऐप्स क्लोन कर सकते हैं। लेकिन क्या आप ऑपरेटिंग सिस्टम को क्लोन कर सकते हैं? जी हाँ, आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम को भी क्लोन कर सकते हैं। लेकिन उसके दो प्रोसेस है, पहला एक है ड्यूअल बूटिंग और दूसरा जो कि है वर्चुअल बॉक्स। तो ड्यूअल बूटिंग जो है उसमें आपका कंप्यूटर जो है वो ख़राब हो सकता है। अगर आपका कंप्यूटर ख़राब हो गया हो तो उसमें एक एरर शो कर रहा होगा मिसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसको मैंने फिक्स करके एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपका कंप्यूटर ख़राब होता है तो आप वो वीडियो देख के आप अपना कंप्यूटर ठीक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर पढ़ते हैं, ठीक है। तो वर्चुअल बॉक्स के जरिए हम दो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में, दो से भी ज़्यादा हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं काली लिनक्स को इंस्टॉल करने वाला हूँ। और वर्चुअल बॉक्स में काली लिनक्स इंस्टॉल करने के टाइम बहुत सारे यूजर्स बहुत सारे एरर्स फेस करते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको सारे के सारे एरर्स फिक्स करके बताया। ये आपको कोई नहीं बताने वाला, ये सारी बातें सिर्फ मेरे वीडियो पे आपको मिलेगी। तो इस वीडियो में मैं आपको फुल करेक्शन बताने वाला हूँ इसका। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा और आपके सारे एरर्स फिक्स हो जाएंगे और काली लिनक्स का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपके वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल हो जाएगा। तो एंड तक देखिए मेरे वीडियो, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको सब समझ में आ जाएगा। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसमें मैं आपको सिर्फ इंस्टॉल करना सिखाऊंगा कि कैसे आप काली लिनक्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर अगर आप कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल करना चाहते हैं आप अपने वर्चुअल बॉक्स में, तो वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन मैं इसमें काली लिनक्स के बारे में बताने वाला हूँ, तो आप और भी कर सकते हैं अगर आपको और चाहिए होगा। तो इस वीडियो में मैं काली लिनक्स आपको इंस्टॉल करने के लिए बता दूंगा। और इसके जो मैं दूसरा पार्ट बनाऊंगा इस वीडियो का, उसमें मैं बताऊंगा कि आप अपने काली लिनक्स के आपका जो काली लिनक्स का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा आपके कंप्यूटर में, उसको आप कैसे रेडी कर सकते हैं, आपको क्या क्या करना चाहिए जब आप इंस्टॉल कर लेते हो, ठीक है। तो ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए। अगर मैं वो वीडियो जब अपलोड कर दूंगा उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा पार्ट टू की। तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए, ये वीडियो वाकई में आपके लिए हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं काली लिनक्स का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे वर्चुअल बॉक्स पे इंस्टॉल करने वाला हूँ, ठीक है। तो साथ ही साथ मैं सारे के सारे एरर्स जो है फिक्स करने वाला हूँ। तो सारे के सारे एरर्स आपको जितने हो रहे हैं तो बेफिक्र रहिए, आपके सारे के सारे एरर्स जो है वो फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे पहले तो आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए जिसका नाम है ओरेकल VM वर्चुअल बॉक्स, ठीक है। आप VM वर्क स्टेशन प्रो ऐसा भी एक सॉफ्टवेयर आता है, आप उससे भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वर्चुअल बॉक्स को ही ट्राई करें। तो जैसे ही आप इसे इंस्टॉल कर लेते हैं, आपको एक और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। तो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। उसे आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं डायरेक्ट, या फिर आप डिस्क्रिप्शन से उसे डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो उस सॉफ्टवेयर का नाम है ओरेकल VM वर्चुअल बॉक्स एक्सटेंशन पैक, ठीक है। तो ये सब इंस्टॉल करने के बाद आपको जो पहला एरर जो शो होगा वो होगा आपको BIOS मेन्यू पे। तो चलिए यही देखते हैं कि आप BIOS उस एरर को कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना कंप्यूटर ऑफ करके ऑन करना है, उसके बाद आपको एक आइकन दिखेगा, कुछ इस टाइप का आइकन दिखेगा, उसमें आपको F2 तुरंत प्रेस करना है, ठीक है। F2 अगर आप प्रेस करते हो तो आपको आपके सामने जो मेन्यू आती है उसे ही हम कहते हैं BIOS मेन्यू, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर आपको जूम करके दिखाऊँ तो आपको दिखेगा एक एडवांस का टैब दिखेगा यहाँ पर आपको एक एडवांस का टैब दिख रहा होगा। अगर आप इस पे जाते हैं तो वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है CPU कॉन्फ़िगरेशन, इस पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा कि इंटेल वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। आपको नीचे ऑप्शन मिल रहा होगा, आप उस पे अगर जाएंगे तो आप जैसे ही उस पे क्लिक करेंगे तो डिसेबल किया होगा बाय डिफ़ॉल्ट, तो वहाँ पर आपको चेंज करना है, इनेबल करना है, एंटर प्रेस करना है, ठीक है। उसके बाद आपको F10 प्रेस करना है, सेव और एग्जिट यानी F10, ठीक है। उसके बाद आपको येस पे क्लिक करके ओके करना है। उसके बाद जो है आपको अपना कंप्यूटर रिस्टार्ट करना है। उसके बाद आप अपना वर्चुअल बॉक्स पहले ओपन कर लें, जैसे कि मैं यहाँ पर ओपन कर दे रहा हूँ वर्चुअल बॉक्स। तो वर्चुअल बॉक्स ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और वहाँ पर आपको न्यू पे क्लिक करना है, जो न्यू का जो आपको आइकन दिख रहा है इस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम डालना है कि आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है,
तो वो यहाँ पर डाल सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको टाइप डालना है कि वो किस डिस्ट्रीब्यूशन से बिलोंग करता है, और उसके बाद आपको वर्जन डालना है। वर्जन आप अपने आप इंटरनेट पर चेक कर सकते हैं कि आपके जो आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका क्या वर्जन है। तो ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं नाम डाल देता हूँ काली लिनक्स, जैसा कि है मैं यहाँ पर काली लिनक्स डाल देता हूँ लिनक्स। तो ठीक है, उसके बाद मैं वर्जन में डेबियन 32 बिट करता हूँ। ठीक है, तो डेबियन 32 बिट इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा जो कंप्यूटर है वो 32 बिट का है। आपको चेक करना है कि 32 आपका कंप्यूटर की कौन सा आपका कंप्यूटर कितने बिट का है, तो आप चेक कर सकते हैं, आप वो भी चेक कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि वो आप कैसे चेक कर सकते हैं। आप पहले विंडोज़ का की दबाइए, उसके बाद कंप्यूटर के प्रॉपर्टीज़ में जाइए। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा ये 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो यानी मेरा 32 बिट का है। अगर आपका 64 बिट का, तो आप 64 बिट का OS डाउनलोड करेंगे। ठीक है, आप इंटरनेट से 64 बिट का OS डाउनलोड करेंगे। अगर आपका 64 बिट का है, तो अगर 32 बिट का है तो 32 बिट का डाउनलोड करेंगे, और यहाँ पर भी सेलेक्ट करेंगे 32 बिट। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको रैम का साइज़ सेलेक्ट करना है कि आप रैम का साइज़ कितना देते हैं। तो आपको इसे थोड़ा कम देंगे। नेक्स्ट, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपको लोकेशन सेलेक्ट करना है कि आप इसे जो स्टोरेज देना चाहते हैं उसका लोकेशन वो कहाँ रहे। ठीक है, तो यहाँ पर बगल में जो आपको आइकन दिख रहा है ये वाला, इसे जैसे ही आप क्लिक करोगे, इसे जैसे मैं क्लिक करके बताता हूँ आपको, इसे जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको एक ब्राउजिंग का डायलॉग बॉक्स आपको खुल जाएगा। वहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो कि इसे आपको कहाँ सेव करना है। ठीक है, तो एक ऐसा जगह आप चुन लीजिए जहाँ पर आपको स्टोरेज बहुत खाली हो। ठीक है, तो मैं डी ड्राइव में मैं सेव कर लेता हूँ। डी ड्राइव में एक फोल्डर बना के मैं उसमें सेव कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद मैं यहाँ पर इसे इसका जो हार्ड डिस्क का जो साइज़ है उसे थोड़ा बढ़ा दूँगा, मैं यहाँ पर 16 GB कर दूँगा। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक सेटिंग्स का आइकन मिल रहा होगा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे मैं आपको क्लिक करके बताता हूँ, इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पर आपको फिर मैं जो जो कर रहा हूँ उसे आप फॉलो कीजिए, बस सिंपल स्टेप से वो आप फॉलो कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको एम्प्टी में आपको ब्लू कलर का हो गया, यहाँ पर ये आपका ऑप्शन मिलेगा एम्प्टी। जब आप इसे यहाँ पर क्लिक करेंगे स्टोरेज के अंदर जो है जो कि, तो यहाँ पर फिर आपको मिलेगा एक और एक डीवीडी मिलेगा, आपको ये आइकन मिलेगा, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है ये। तो इसे आप जैसे ही क्लिक करोगे, तो क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, तो वहाँ पर से आप ब्राउज कर सकते हैं कि आपका OS किधर है। आपने जो काली लिनक्स की जो OS आपने जो डाउनलोड की थी वो आप यहीं से इंस्टॉल करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करके उसे ओपन करोगे। उसके बाद बाकी यहाँ सब, तो बाकी सब ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस की नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। इसे हम फिलहाल इंटरनल नेटवर्क पे कर देते हैं, लेकिन बाद में हम चेंज करने वाले हैं, जो कि मैं पार्ट टू में आपको बताने वाला हूँ, तो उस टाइम हम इसे चेंज करेंगे, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये स्टार्ट का आइकन आप दबा के ये मशीन स्टार्ट करा सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कराने के बाद इस तरह का दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन सामने में मिल जाएंगे, एक इंस्टॉल, एक और ग्राफिकल इंस्टॉल। अगर आप ग्राफिकल इंस्टॉल चूज़ करते हैं तो वहाँ पर आपको ग्राफिकल इंटरफेस आपको कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, और इंस्टॉल में आपको नॉर्मल रहेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इंस्टॉल में मैंने क्लिक किया, लेकिन यहाँ पर एक एरर बता रहा है। ठीक है, यहाँ एक एरर बता रहा है, तो चलिए अब सबसे पहले मैं इस एरर को फिक्स करता हूँ। ये इनअप्रोप्रिएट कर्नल का एरर है, तो इसे मैं फिक्स करता हूँ पावर ऑफ करके। ठीक है, तो सेटिंग्स में हम जाएंगे, और फिर उसके बाद हम जाएंगे स्टोरेज सिस्टम में, सिस्टम के बाद जाने में प्रोसेसर के बाद इनेबल PAE उस पर क्लिक करके ओके करेंगे। उसके बाद हम जैसे ही स्टार्ट करेंगे उसके बाद हमें ये एरर शो नहीं होगा। मैं आपको दिखाता हूँ क्लिक करके, ये मशीन हमारा जो है स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं, ये देखिए अब वो एरर नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारा जो है वो लोडिंग होना स्टार्ट हो गया है, वो एरर शो नहीं कर रहा है। तो इसके बाद मैं जो जो कर रहा हूँ वो फॉलो कीजिए आप।
ठीक है, तो यहाँ पर ये फेल हो गया नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, इसे हम पार्ट टू में रिजॉल्व करेंगे। तो फिलहाल के लिए कंटिन्यू कर देते हैं और डू नॉट कॉन्फ़िगर दिस नेटवर्क एट दिस टाइम वाला ऑप्शन पे हम इसे क्लिक कर देंगे। ठीक है, इसे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम होस्ट नेम जो है वो ऐसे ही रहने देंगे। पासवर्ड जो है वो मैं रूट डाल देता हूँ, ROOT। ठीक है, ROOT मैंने डाल दिया। और अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो शो पासवर्ड वाले ऑप्शन पे जाके नीचे जाके वहाँ पर आप स्पेस प्रेस कीजिए। ठीक है, आप जब आप स्पेस प्रेस करेंगे तब वो पासवर्ड जो आपने जो टाइप किया है वो विजिबल हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। ठीक है, तो री एंटर मांग रहा है। यहाँ पर आप कंफर्म कर दीजिए पासवर्ड जो आपने लिखा था वो फिर से लिख दीजिए, उसके बाद वो करके आगे बढ़ना है। उसके बाद मेरा जो प्रोसेस है वो फिर से फॉलो कीजिए। यहाँ पर जैसे है वैसे ही यहीं पर आप एंटर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप इसी में एंटर कीजिए, फिर सब सेलेक्ट करते जाइए, सब डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, फिनिश पार्टीशनिंग फिनिश कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर येस पे आप चले जाइए यहाँ पर। ठीक है, तो इसके बाद आपको यहाँ पर जो प्रोसेस स्टार्ट होगा वो है इंस्टॉलिंग द सिस्टम। ठीक है, तो ये सबसे लंबा प्रोसेस है, इसमें आपको करीब आधा घंटा लग जाएगा। तो ये प्रोसेस जो है वो मैं स्किप कर देने वाला हूँ, ये मैं स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसके बाद आपको नो पे क्लिक करना है। चलिए ठीक है, यहाँ पर हम येस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद मैन्युअली हम कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ पर नीचे में जो आपको ऑप्शन दिख रहा है आपको इसी पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसी को क्लिक करते हैं, मैनुअली कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन फिनिश हो चुका है, अब ये कुछ लोडिंग कर रहा है। ठीक है, तो हमें पहले वाले पे ही सिलेक्ट करना है। अगर आप नहीं भी सिलेक्ट करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सेलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा जो मशीन है वो चालू हो रहा है। शुरू में इसे हो सकता है थोड़ा टाइम लगेगा, बट उसके बाद वो अच्छे से फंक्शन करना स्टार्ट कर देगा। तो अभी बस ये स्टार्ट ही हो रहा है जी। देखिए, अब ये स्टार्ट हो चुका है, हमारा जो काली लिनक्स है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम यूज़र नेम डाल देते हैं। यूज़र नेम रूट था, ROOT। ठीक है, उसके बाद पासवर्ड हमने जो रूट डाला था, ठीक है, ROOT। ठीक है, इसे हम रूट डाल देते हैं। ऑल राइट, सो यहाँ पर देखिए ये जो है हमारा काली लिनक्स यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। ये देखिए कुछ इस टाइप का दिखता है। यहाँ पर से आप टर्मिनल खोल सकते हैं, जो कि आपका कमांड प्रॉम्प्ट हो गया। आप जैसे विंडोज़ में कमांड प्रॉम्प्ट यूज़ कर सकते हैं, उस तरह का ये टर्मिनल होता है लिनक्स में। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें बहुत सारे टूल्स दिए हुए हैं, आप एप्लीकेशन में जाके देख सकते हैं। एप्लीकेशन पर क्लिक करते जैसे ही आप, तो आपको यहाँ पर बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस और पासवर्ड अटैक्स, ऐसे बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर आपको टूल्स मिल जाएंगे। तो सक्सेसफुली हमारा जो है काली लिनक्स यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। तो इसे हम कैसे ट्वीक कर सकते हैं, यानी इसे हम तैयार कैसे कर सकते हैं, वो मैं आपको पार्ट टू में बताने वाला हूँ। तो चलिए यहीं पर इस वीडियो को ख़त्म कर देते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो सब समझ में आ गया होगा, और ये सारे प्रोसेस अपनाने के बाद आपका जो काली लिनक्स है वो वर्चुअल बॉक्स में चलने लगेगा। और अगर अब तक मैंने जो भी किया उसमें आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रहा है या फिर से कहीं भी कुछ भी एरर आ रहा है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिए, मैं आपको पक्का रिप्लाई करूँगा और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो को पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी करें। मैं चाहता हूँ ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।